स्वयं भगवान भोलेनाथ ने इस कथा को लिखा, समय पाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रदान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा को भगवान ने लिखा और भगवान भोलेनाथ ने इतनी करुणा की कि सब कुछ लिखिया उन्होंने लेकिन मेरा नाम दे दिया। सब जानते हैं कि मैंने लिखा लेकिन मुझ में इतनी शक्ति कहां कि मैं कुछ भी लिख पाऊं। और सोचिए आज अगर ये रामचरितमानस जी, अगर भगवान भोलेनाथ ने गोस्वामी जी को नहीं दिया होता और इसे अवधी भाषा में नहीं लिखा होता तो हम जैसे मूर्ख लोग इस कथा को कहां गा पाते? संभव था? नहीं संभव था। ऐसा वर्णन आता है कि जब वेद भगवान थे तो जितने लोग थे सब परेशान थे, किसी को वेद पढ़ने नहीं आता था, कोई समझ नहीं पाता था। वेद भगवान गए भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहे, प्रभु मैं इतना क्लिष्ट हो चुका हूं कि मुझे कोई पढ़ नहीं पाता, फिर मेरे रहने ना रहने से कोई मतलब है नहीं। तो ऐसा वर्णन आता है कि वही वेद भगवान वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी स्वयं वाल्मीकि भगवान बन करके आए। और जब रामायण जी की रचना वाल्मीकि जी ने की तो वाल्मीकि जी ने सोचा मैं तो और क्लिष्ट हो गया, ये तो वाल्मीकि रामायण भी कोई नहीं पढ़ पाता है, अगला समय ऐसा आएगा कि कोई एक शब्द नहीं पढ़ पाएगा। और तब जाके वही वाल्मीकि रामायण इस रामचरितमानस जी के रूप में प्रकट हुए। देखिए संसार में जितने भी ग्रंथ है, जितने भी रामायण है, अगर किसी से पूछा जाए कोई वेद की ऋचाएं सुनाओ, अब गांव में किसी से पूछा जाए कोई सुनाएगा क्या? कोई नहीं सुनाएगा। अगर किसी से पूछा जाए आप वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक बता दीजिए, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर वही किसी से भी कहा जाए कि मानस जी की कोई एक चौपाई सुनाओ, सबके जुबान पर एक ना एक चौपाई जरूर है। कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जिसे मानस की एक चौपाई नहीं याद होगी। सभी गाते हैं एक चौपाई, तो हमको लगता है सबको याद है क्या? कि मंगल भावाना या मंगल हारी, मंगल गलत पढ़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। ध्यान रखिएगा अजर नहीं है, अजीर है। द्रवहु नहीं है, द्रवउ है। मंगल भवन अर्थात भगवान राम मंगल के भवन है। अमंगल हारी अमंगल को हरण करने वाले हैं।
द्रव हूँ सो दशरथ, कहते हैं प्रभु हमारे ऊपर द्रवित होइए। और अजीर लोग पढ़ते हैं अजर, अजर का अर्थ होता है जो कभी जल ना सके, और अजीर का अर्थ होता है आंगन, अर्थात जो महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करिए आप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊं सो दशरथ अजीर बिहारी। सबको याद है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं याद है। अब सोचिए अगर गोस्वामी जी ने नहीं लिखा होता तो हम लोग जैसे अनपढ़ लोग आज कथा थोड़ी गाते, संस्कृत नहीं आता है। लेकिन ये सब गोस्वामी जी की इतनी कृपा है कि गोस्वामी जी ने लिख दिया अवधी भाषा में, आज सब गा रहे हैं कथा, हम जैसे लोग भी कथा गा रहे हैं। अब जब हम कथा गा लिए तो कुछ भी संसार में संभव नहीं है। आज सबके जुबान पर है कथा की महिमा, क्यों सुने कथा, ये कथा की महिमा है। सुनते ही जीव को विश्राम मिल जाता है, जीवन की थकान दूर हो जाती है, ये कथा की महिमा है। अब कथा से हमको मिलता क्या है कि हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। Oh,